सो हेलो यूट्यूब व्हाट्सअप क्रैश गेमिंग है और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। और आज हम खेलेंगे GTA 5। लास्ट मिशन में हमने माइकल की बेटी स्टेसी को बचा लिया था, मगर बहुत धमाकेदार प्लेयर ट्रेवर की एंट्री इसमें हो चुकी थी। और लास्ट मिशन में माइकल ने डेव को फ़ोन करा था। देखते हैं डेव कौन बंदा है, उसके पास ही जाके मिशन शुरू होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलते हैं डेव के पास। प्लीज साइड, ये तो ऐसा लग रहा है व्हाइट हाउस। वो रहा डेव। डेव माइकल से कह रहा है आओ स्वागत है। माइकल कह रहा है कैसे हो। डेव बोल रहा है कि मुझे पता है कि वो ज्वेलरी की चोरी तुम नहीं की थी। तो माइकल बोल रहा है कि मैंने नहीं चोरी की थी। डेव कह रहा है पक्का तुमने की थी। तो माइकल बोल रहा है कि लो मुझे हथकड़ी लगा दो और मेरी जान बचा लो। तो डेव कह रहा है किससे बचा लूं। कह रहा जिसको तुमने फोन करा था। डेव कह रहा ट्रेवर। माइकल कह रहा उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। अभी तक तो उसने मुझे कुछ कहा नहीं, मुझसे मिला था, मगर वो जरूर मुझसे क्वेश्चनिंग करेगा। अब डेव यहाँ पे कह रहा है मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम दोनों प्रॉब्लम में हैं। माइकल कह रहा है भरोसा रखो, हिम्मत रखो। डेव यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस हिसाब से मेरी प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी ही प्रॉब्लम्स हुई। मैं भी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हम दोनों इस प्रॉब्लम से साथ निकलेंगे। सो माइकल यहाँ पर बोल रहा है कि बताओ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो डेव यहाँ पर कह रहा है कि किसी को पता लग गया है कि मैं गलत कामों में इन्वॉल्व हूँ और मेरी जॉब भी जा सकती है। कोई मेरे ऑफिस में आएगा, मेरी फाइल्स पढ़ेगा, मेरे काम करेगा। तो माइकल तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। माइकल यहाँ पर बोल रहा है तुम मुझे फंसा रहे हो, तुम बहुत नाशुक्र हो। डेव बोल रहा है कि मैं किसी ना किसी तरीके से तो इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा, मगर तुम्हारी प्रॉब्लम असल में ट्रेवर है। तुम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे, उसके लिए तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। तो माइकल यहाँ पे बोल रहा है बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा डेव ने फोटो दिखाई है कि हमें इस बंदे को पकड़ना है। अब ये बता रहा है कि ये बंदा मेरी ब्यूरो के हिसाब से मर चुका है और इसकी डेड बॉडी एक हॉस्पिटल में रखी हुई है, मगर मुझे लगता है कि ये बंदा अभी तक जिंदा है और इस बंदे के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे और मेरे सीनियर्स की ऐसी तैसी कर सकती है। तो मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम जाकर वेरीफाई करो कि ये बंदा सच में मर गया है या नहीं। डेव ने डंडा निकाल लिया, बोल रहा है मैं पहुँचा दूंगा। ओ तेरी पट्टे से हेडशॉट। डेव भी बड़ा खतरनाक बंदा है यार। ये GTA 5 में कोई है जो सीधा है? कोई भी नहीं। देखते हैं कहाँ खुलती है। प्लास्टिक बैग में मैं कहाँ पर हूँ भाई, खोलो। ये किसकी आवाज आ रही है? डॉक्टर्स, लग रहा है मैं हॉस्पिटल आ गया। ओ तेरी, तो मुझे मरा हुआ तो नहीं समझ रहा है वो। ये तो मेरा पोस्टमार्टम करने को कह रहा है। फटाफट उठते हैं इससे पहले पोस्टमार्टम हो जाए। तेरी तो भाग, यहाँ से भाग। इसकी गर्दन मोड़ के तोड़ देते हैं। बेटा सो जा, इधर उधर देख। तो काला बैग होगा, हाँ इसको हमें उठाना है गाइस। पुलिस वाला आ चुका है, इससे तो फिलहाल छुपते हैं। हाथ में बंदूक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। टेबल के पीछे छुपते हैं। कह रहा शायद इस कमरे में नहीं, उस कमरे में होगा। हाँ वहाँ देख। अब फटाफट अपना काम करते हैं। चल तेरी ऐसी की तैसी। पुलिस वाले, सर्च द मॉर्ग फॉर द बॉडी। अब हमें इस पोस्टमार्टम रूम को सर्च करना है। जिस बंदे की फोटो डेव ने दिखाई थी, कहीं ये यहाँ पर वो बंदा तो नहीं है? नहीं ये तो नहीं है। एक आंटी लेडी भी है। अच्छा पैर में टैग है और उसके ऊपर उस बंदे का नाम लिखा हुआ है। माइकल ने डेव को मिलाया फोन और बता रहा है कि यहाँ पर जो बंदी की बॉडी है वो तुम्हारा बंदा नहीं है, मगर उसका नाम है। तो इसका मतलब जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो बंदा जिंदा है। तो डेव यहाँ पर बोल रहा है कि अब जो यहाँ पर सिक्योरिटी वो बहुत टाइट है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें ऊपर के रास्ते से जाना पड़ेगा।
अब देखते हैं ऊपर का रास्ता क्या है। और डेव कह रहा है कि मैं यहाँ पर पावर ऑफ भी करवा दूंगा लाइट्स की, ताकि तुम आराम से निकल सको। देखते हैं कितने आराम से निकल सकते हैं। ओ तेरी, तो बंदे आने शुरू हो गए। एस्केप फ्रॉम द बिल्डिंग, हमें इस बिल्डिंग से निकलना है किसी भी तरह। बिल्डिंग है भूल भुलैया, चल चल पट्टे से हेडशॉट। प्रेस कैप्स टू स्लो डाउन टाइम। अच्छा माइकल की एबिलिटी भी यूज करते हैं। 1-2 हेडशॉट, बहुत कमाल का हेडशॉट था। एक हेडशॉट और लेते हैं, चल दूसरा लेते हैं, चल। माइकल की एबिलिटी बहुत अच्छी है, ये टाइम को स्लो डाउन कर देता है और हम फास्ट रहते हैं। गोली नहीं पड़ भाई, खैर उसको मारते हैं, वो छुप गया। हमें भी छुप छुप के काम करना पड़ेगा, इस बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकलना है। तो मत मारे जा, चल निकल, बहुत मार लिया। बट्टे से हेडशॉट, चलते हैं आगे। उस येलो रेडार को आप देख रहे होंगे, वो शायद एस्केप पॉइंट होगा, हमें वहाँ से निकलना है। पहले इसका खात्मा करते हैं। माइक्रो टेररिस्ट ग्रुप, नहीं मुझे जान से मारेगा, खूनम खान हो गया माइकल। बूम हेडशॉट। जब इस गेम में शूटिंग होती है मुझे पबजी बहुत याद आता है यार। गेट के पीछे, गेट के पीछे कवर, नहीं पढ़ पाई यार। अब मारते हैं, 1-2-3 खत्म। चलो मेरे सुपरमैन, चलते हैं। नहीं इधर नहीं, है बंदा, है बंदा, है रेड कलर का साइन आ रहा है, बंदा है यहाँ पे जरूर। मारते हैं पट्टे से हेडशॉट, खून देखो। चलते हैं आगे, गन बदलते हैं। हाँ एक बंदा और, चल बेटा ऊपर वाला तेरी आत्मा को शांति देगा। नहीं यहां से नहीं जाना, देखते हैं रास्ता किधर से है। शायद इधर से, हाँ इधर से ही है रास्ता, हमें ऊपर चढ़ना है। ऊपर भी ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। बंद हो सकता है, बंदा 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 बंदा, ये लेते हैं हेडशॉट, बहुत कमाल, गजब हो भैया। चलते हैं आगे, यहाँ पर एक बंदा और आ रहा है सीढ़ियों से उतरता हुआ। खात्मा बेटा, पता नहीं यहाँ शूटिंग चल रही है। Just let me go. फटाफट ऊपर चलते हैं, फटाफट इस बिल्डिंग से निकलते हैं। माइकल बोल भी रहा है कि आज मैं मरते मरते बचाऊं डेव तेरी वजह से, ये सब डेव की वजह से हो रहा है। एक और खत्म, हेडशॉट बिल्कुल बीचम बीच। हम यहाँ पे डेव का काम कर रहे हैं, अब देखते हैं डेव हमारा काम कैसे करेगा, वो आगे पता लगेगा। फिलहाल इस बिल्डिंग से निकाल दो किसी तरह। एस्केप थ्रू द विंडो, विंडो किधर है? ओ तेरी, गोलियों पे गोलियां, ये ले एबिलिटी ऑन करके, चल गंजे। आ रहे हैं, आ रहे हैं, दो बंदे और आ रहे हैं, अब तो सबको मार के जाऊंगा। चल नीचे, चल ये मारने का, वो रही विंडो, विंडो ही है ना, नहीं। अच्छा अंदर चलते हैं। अच्छा हमें यहाँ पर, यहाँ से भी एक काला बैग उठाना है, यहाँ से भी एक काला बैग उठाना है। देखते हैं बैग कहाँ है। अच्छा ये ग्रीन डॉट जो है वो बैग है, वो रहा, इसमें सारे सबूत हैं जो डेव को फंसा सकते थे। एक और, एक और, चल मर गया यार। चलते हैं फटाफट आगे, निकलते हैं इस बिल्डिंग से बाहर। ये रही विंडो, फोड़ के वो तेरी जंप लगानी है, बूम जंप लगा चुके हैं। और हमारा माइकल बिल्कुल खूनम खान हो चुका है। एस्केप लूज द कॉप्स, अबे अब इनसे भी पीछा छुड़वाना है। चल यार फटाफट कार लेते हैं,
ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कौन इनको खबर देता है। अब इनसे जान छुड़वाओ। राइट लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं, फिर लेफ्ट लेके इनसे पीछा छुड़वाते हैं। तीन तीन केस। अबे ऐसा नहीं है यार, सिर्फ मैंने ही गोली चलाई है, गोली उधर से भी चली थी। ओ एक तो रात का वक्त, ऊपर से ड्राइविंग, फिर इतने सारे कॉप्स पीछे लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स, कार्स। देखते हैं कहाँ जाके पीछा छोड़ेंगे। फटाफट इनको चकमा देते हैं। ओ तेरी फील्डिंग लगा रखी है, चलो बेटा भाग लो भाग लो। शायद बस मैं छोड़ने वाला हूँ। अबे छोड़ दो मेरा पीछा, और भी क्रिमिनल्स होंगे, और भी क्रिमिनल्स होंगे लॉस सैंटोस में। यस, गाड़ी को छुपा देते हैं पार्किंग में ताकि और इनके रडार से दूर रहे। केस तो हट चुका, केस हट चुके। गो टू द ऑयल डेरिक्स, ठीक है। अच्छा, माइकल ने फ्रैंकलिन को फोन कर दिया है कि ऑयल डेरिक्स के बाहर आ जा, मुझे तो उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फटाफट फ्रैंकलिन के पास चलते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। गेट टूट गया, सॉरी। जिसकी भी ये कार होगी वो बेचारा रो रहा होगा। फटाफट फ्रैंकलिन के पास चलते हैं, ऑयल डायरेक्ट्स के पास। ये येलो रेडार को फॉलो करना है बस। डेव को कॉल कर रहे हैं, डेव से बोल रहे हैं कि किस मुसीबत में तूने मुझे फंसाया है। इतनी मुश्किल से जान छुड़ा के बाहर निकला हूँ, मगर तेरा काम हो गया, अब तुझे हमारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो मुश्किल थी वो बहुत आसान थी, मगर हमारी जो मुश्किल है उसका नाम है ट्रेवर, मोस्ट बैडेस गाय इन GTA 5। डेव बोल रहा है ठीक है, मेरा काम तो हो गया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा वक्त आने पे। देखते हैं क्या मदद करेगा। और बस फ्रैंकलिन के पास पहुंचने वाले हैं, फ्रैंकलिन वहां पे हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो रहा फ्रैंकलिन, बंदे ने साथ नहीं छोड़ा एंड तक। माइकल फ्रैंकलिन से बोल रहा है कि कहीं बाहर जाना है। वो कह रहा मुझे तो कहीं नहीं जाना। तो कह रहा जरूर जा, मेरा एक काम कर। फ्रैंकलिन कह रहा क्या काम? कह रहा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, मेरे साथ आ इधर। कह रहा मैंने तुझे बताया था पहले भी कि मेरा बहुत लोगों से कनेक्शन है। फ्रैंकलिन कह रहा शायद बताया था। माइकल कह रहा बताया था नहीं बताया था, मगर मैं अब बता रहा हूँ, मेरी बहुत लोगों से डीलिंग थी और मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। कह रहा तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन कह रहा है कि तुम्हारी मदद करके मैंने बहुत सारे नोट इकट्ठे कर लिए, और तुम्हारी मदद करके मैं और नोट इकट्ठे करना चाहता हूँ। तो फ्रैंकलिन यहाँ पर बोल रहा है कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी मदद करूंगा। माइकल यहाँ पे कह रहा है यार ये तो मौत का खेल है। फ्रैंकलिन कह रहा है कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बदले में बस पैसे चाहिए मेरे को। तो माइकल यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं वो बंदा कौन है। वो बंदा है डेव, वो बहुत बुरा बंदा है। बहुत टाइम पहले उसके साथ कोई डील हुई थी, मगर वो डील कामयाब नहीं हो पाई, और अब उसने मुझे फंसा दिया है। मुझे उसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे बदले में। वो मुझे, मैंने शायद तुम्हें बताया था कि ट्रेवर नाम का बंदा है, वो उससे मेरी जान छुड़वाएगा। कह रहा तुम नहीं जानते ट्रेवर क्या बला है, वो लॉस सैंटोस पे चलती फिरती जहन्नुम में, वो बहुत खतरनाक बंदा है। फ्रैंकलिन कह रहा है तो उस बंदे को मार देते हैं। माइकल कह रहा है कि इम्पॉसिबल बात कर रहे हो यार, उसको मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत खतरनाक बंदा है। कह रहा है मैं बिल्कुल अच्छा बंदा नहीं हूँ, मगर उसके सामने मैं भी फरिश्ता लगूंगा। माइकल कह रहा है बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे करी हैं जिस पर मैं प्राउड नहीं हूँ। ट्रेवर ने जब से पैदा हुआ है एक भी काम अच्छा नहीं करा होगा, मैं तुम्हें बता दूं। फ्रैंकलिन कह रहा है यार क्या मुश्किल है। माइकल कह रहा है अब तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और फ्रैंकलिन यहाँ पर कह रहा है अब मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा कर ही लिया है, तो अब मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फ्रैंकलिन कह रहा है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, आज से तुम मेरे पक्के दोस्त हो। फ्रैंकलिन कह रहे हैं कोई बात नहीं है, दोस्ती में सब चलता है। माइकल यहाँ पर बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा थीफ हूँ, कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चांस मारूंगा और तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। अब माइकल कह रहे ठीक है,
देखते हैं आगे क्या होता है, बस मेरा साथ देना और अभी फिलहाल यहाँ से निकलो फटाफट। फ्रैंकलिन गया, बहुत टेंशन में है माइकल, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हमारा मिशन पास हो चुका है, डेड मैन वॉकिंग। ओहो, तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।